सालो तुम्हारी औकात नहीं है। साले तू चल आउट। नमस्कार, सोनाली फोगट के बारे में बात करने आया हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और सीबीआई की इंक्वायरी होगी ऐसा गोवा के मुख्यमंत्री ने कह दिया है, तो उनके हत्यारों को फांसी की सजा मिले ऐसा हम चाहते हैं। और जो कुछ भी मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, नेट पे है, उसके हिसाब से हम, मुझे लगा कि बात करनी जरूरी है। आप सोनाली फोगट का मान करें, सम्मान करें, उन्हें वुमेन ऑफ सब्सटेंस माने या उनसे इश्क करें। उनकी खूबसूरती पे आप हो सकता है कि जान देते रहे हों, क्योंकि वो कलाकार भी थी, टिकटॉक स्टार थी, बिग बॉस में गई थी, राजनीति में थी, चुनाव लड़ा था। जब गुस्सा आया तो अधिकारियों को थप्पड़ भी मारे थे। बहुत सारे फैसेट थे उनके, और टोटलिटी में वो एक मिस्टीरियस महिला भी थी। बात यह है कि 2016 में उनके पति, जिनका नाम संजय फोगट, हाँ, वो उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। फार्म हाउस में डेड बॉडी था उनका पाया गया। पुलिस भी आ थी वहाँ, और ऑनलुकर्स जो थे, जो देखने वाले थे, उन्होंने कहा था उनके मुंह में झाग भी था। तो जाहिर है कि रात में मृत्यु हुई थी, फार्म हाउस में, तो पोस्टमार्टम भी हुआ होगा। तो पोस्टमार्टम क्या हुआ पता नहीं। और फार्म हाउस में थे, जो उनका जो हिसार में जो घर है उसे 10 किलोमीटर दूर था, तो फार्म हाउस में डेड बॉडी पाया गया, उनका अपना था। इसका मतलब अमीर भी थे, पैसे वाले थे, तभी तो फार्म हाउस था। पॉलिटिक्स में भी थे। उनकी पत्नी सोनाली फोगट उस समय नहीं थी, वो मुंबई में थी, क्योंकि उनकी जो बेटी है, उसका बच्ची है, मासूम की बच्ची है, यशोधरा फोगट उनका नाम है, वो मुंबई में शायद पढ़ती थी, तो वहाँ गई थी, कुछ पता नहीं चला। संजय फोगट युवा 45 साल के उस समय थे 2016 में, उनकी मृत्यु हो गई, रहस्य मृत्यु हो गई, और किसी ने चीख चिल्लाहट नहीं सुनी, कोई इनकलाब नहीं सुने, कोई सीबीआई की जांच तो बहुत दूर की बात है भाई, पुलिस वेरिफिकेशन तो ठीक से हो जाए, पुलिस जांच भी तो हो जाए। मैंने अभी पढ़ा था, देखा था कि सोनाली फोगट ने भी उनको एक नेचुरल डेथ मान लिया था। बाद में उनकी यात्रा शुरू हुई थी, बिग बॉस में भी गई थी, और मान सम्मान कमाया था, लड़ाई झगड़े भी हुए थे, लेकिन वो एक पावर जो है उनके अंदर, वो जब गुस्सा आती है तो गाली उली भी दे देती है दबा के। तो वहाँ एक साथी महिला को भी गाली गुली दे दी उन्होंने। चलो बिग बॉस तो है ही गेम, ऐसे है कि वो तो अनैतिक अतिचार और अनाचार का ही शो है बिग बॉस, वो तो उसमें से कोई मोरालिटी को एक्सपेक्ट करना ही बेकार बात है। खैर, उसके बाद फिर चुनाव लड़ी तो बहुत ही बड़े लेवल पे चुनाव लड़ी, और इनकलाब जिंदाबाद हुआ, और मतलब कि वो हार गई थी, लेकिन 34,000 वोट मिला था, हर जगह गई थी। तो एक टिकटॉक स्टार को राजनीतिक संरक्षण मिला, उनको टिकट मिला, उनको उपाधि मिली, उनको चुनाव लड़ने लायक समझा, पॉपुलैरिटी के आधार पर समझा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, खट्टर साहब ने दी थी। सुंदर अभिनेत्रियां तो है ना मार्केट में, बाजार में, राजनीति में, ठीक है। वो अपनी उस उम्र को जब सिनेमा से आ गई बाहर, तब वो राजनीति में आई, उनकी सुंदरता या के कारण या उनकी पॉपुलैरिटी के कारण से उनको टिकट मिला हो। मुद्दा ये है कि वो चुनाव भी लड़ी, बिग बॉस भी गई, और पति की मृत्यु के बाद गई, और उनकी फिर ये उन्होंने अपना एक पीए रखा, मतलब बहुत एक पावरफुल औरत हो गई थी वो, पीए रखा। और पीए का जो नाम था सुधीर सांगवान नाम था, और क्या कहते हैं कि एक सुखविंदर सिंह, इन दोनों के साथ सुधीर सांगवान जो हैं, अब उनके ऊपर ढेर सारी बातें आ रही हैं, इनकलाब हो रहा है, जिंदाबाद हो रहा है, कि भैया वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ठीक नहीं था। जब वो जिंदगी में था उनके, तो भाई कोई सवाल तो नहीं उठाई, उनके माँ पिताजी भाई बंधु दुनिया समाज ने, किसी ने भी तो नहीं कहा भाई सुधीर सांगवान से खतरा है, सोनाली फोगट को इसे दूर रहना चाहिए। अब जब बात उठती है, जब पुलिस जांच चल रही है, तो पता चलता है कि उनके पास फार्म हाउस थे, कई मकान थे, कि किराए पे भी लिया था, किराए के जो कागजात बने थे उस पर सुधीर सांगवान ने अपनी पत्नी के रूप में इनका नाम लिखा था, सोनाली फोगट का।
अब दोनों के शारीरिक संबंध थे या निजी संबंध थे या व्यक्तिगत संबंध थे, कोई मुंह खोल के तो बोलता नहीं, और कुछ सोशल मीडिया पे तो लोग बकवास कर देते हैं, लेकिन वो उनकी जिंदगी में सुधीर सांगवान का दखल था, तभी तो गोवा गई थी साथ, क्या करने गई थी, फिल्म की शूटिंग थी, कोई पॉलिटिकल था, कुछ सेमिनार होना था, अरे गोवा कोई घूमने के लिए जाता, क्यों गई थी, कहाँ गई थी, किस क्लब में बैठा रही थी, और क्या जो तस्वीर दिख रही है गोवा वाली, वो तो ये कहता था कि वो लोग गए थे जिंदगी को जीने के लिए, यहाँ मौत मिल गई। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी बात को, मैं ये कह रहा हूँ जब आप अपने आचार को, विचार को, व्यवहार को उस दिशा में ले जाएंगे जो एक जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है, खतरे की घंटी है, और आप महिला हैं और सबस्टांस ऑफ वुमेन को भी नहीं समझेंगे अपनी, खैर अब कहते हैं कि उनको ड्रग्स दिया गया। अब ये सांगवान कौन है, पुलिस के हिरासत में, सुखविंदर भी पुलिस के हिरासत में है, और सीबीआई जांच होगी, पीछे से भी होगी, ये संपत्ति है जो 100 करोड़ 200 करोड़ की जो संपत्ति है सोनाली फोगट के पास, पति की संपत्ति है, पिता की तो नहीं है, पति की संपत्ति को ही इनहेरिट किया ना सोनाली फोगट ने, अब उसकी बच्ची इनहेरिट करेगी, वो खतरे में होगी बच्ची, तो क्या संपत्ति पे ध्यान था लोगों का, इसीलिए उसकी पति की हत्या हो गई, जिसे नेचुरल डेथ माना जा रहा है, आज रहस्यमय डेथ तो माना ही जा रहा है। खट्टर साहब ने टिकटॉक स्टार को दिया था टिकट क्या सोनाली फोगट को, या उनमें कुछ पोटेंशियल भी देखा था, बात तो पॉलिटिक्स की है ना, ये अपने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी गए थे मिलने के लिए, सोनाली फोगट के फैमिली को अपने दर्द दिखाने, दुख जताने के लिए गए थे, पॉलिटिक्स है, उनको लगा कि यहाँ से कुछ मिल जाएगा, बीजेपी को घेर लूंगा, अरे सारे हमाम में नंगे हैं, ये है क्या मतलब। सोनाली फोगट की जब बात करते हैं हम, तो आपको याद होगा ना कि दनादन थप्पड़ लात जूते मारे थे उन्होंने एक कृषि विभाग के अधिकारी को, उसका नाम था सुल्तान सिंह, और जब उसने बात करी भैया भैया मेरे को तो मारा, मैं तो बाप बाप कर रहा था, लेकिन इस सोनाली फोगट के साथ जो था और भी 5-7-8 लड़के थे पहले, उसने मारा था, फिर इन्होंने मारा, और वो कह रहा था कि इन लोगों को गलतफहमी हो गई है कि हमने इनके चुनाव के दरमियान कुछ किया था, अरे भाई कुछ किया था नहीं किया था, अपराध किया था, पुलिस है, थप्पड़ लात जूते मारने लग जाएंगे आप। सोनाली फोगट आज नहीं है दुनिया में, जब थी तो क्या उनका टॉप फ्लोर खाली था, यहाँ से इतने गुस्से वाली थी, उनको अधिकार किसने दे दिया, इतनी ताकत किसने दे दी थी उनको, अगर वो कांग्रेस का जो था आदमी अगर नहीं आता चीखने चिल्लाने के लिए कि सोनाली फोगट ने अगर थप्पड़ मारे हैं तो क्या ये खट्टर साहब की सोची समझी चाल है, वो गिरफ्तार हुई थी सोनाली फोगट, फिर उस वक्त पता नहीं चला गिरफ्तार हुई थी, अल्लाह हो गिरफ्तार हो गई क्योंकि उसने एक अधिकारी को थप्पड़ मारे, जूते मारे, गालियां दी। अभी जो गोवा वाली जो तस्वीर दिख रही है, जो टीवी पे आ रही है, जो वो संभाल के ले जा रहा है सुनील सांगवान, वो वहां ले जा रहा है, सुना कि उसके बाद ही बाथरूम में गए थे दोनों, अंदर गहरे में सीबीआई गई है, वो पता करेगी। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सब इतना ही था कि जो एक महिला, सशक्त महिला, ताकतवर महिला, लौह पुरुष महिलाएं होती हैं, वो दिखती है सोनाली फोगट की ताकत के पीछे क्या था वो दिखता नहीं है। वो कौन सी ताकत थी जो वो किसी को थप्पड़ मार देती थी, वो कौन सी ताकत थी किसी को गाली दे देती थी, वो कौन सी ताकत थी जो उसको चुप रहने को मजबूर करती थी कि उसके पति की हत्या हो गई या नहीं हुई, वो चिखी भी नहीं, हर आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों हत्या हुई उसके पति की, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट क्या था। सारे लोग जो सीबीआई की जांच मांग रहे थे, परिवार के लोग, पिता माता, उन सबों ने, किसी ने भी पुलिस जांच की भी मांग क्यों नहीं की जब सोनाली के पति की हत्या हुई, और सोनाली के पति की जो जितनी संपत्ति थी इनहेरिट कौन किया, सोनाली जी ने किया ना, वही बारिश थी पति की संपत्ति की। तो क्या इन सारे प्रकरण में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉपर्टी या औरत होना,
अब राजनीति के शिखर पर राजनीति में जगह पाती हैं अपने संघर्षों से, अपने आचार से, अपने विचार से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी पढ़ाई से, अपनी प्रतिभा से, या एक टिकटॉक स्टार होने से। और वो तो कहती थी कि राजनीति में मैं तो 12-15 सालों से हूँ, टिकटॉक पे मैं 2 साल पहले से शुरू किया, ये 2 साल पहले। तो फिर वो 2020 वो बिग बॉस 14 में थी, वो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके हत्यारों का सही से पता लगे, न सिर्फ सोनाली फोगट के हत्यारे का पता लगे बल्कि उनके पति के हत्यारे का भी पता लगे, और राजनीति में फैली गंध दुर्गंध का भी पता लगे कि एक जब महिला आती है तो किस तरीके से उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, और वो महिला जो खुद को भी उस दलदल में फंसाती चली जाती है। पिए रख लिया एक ऐसे पुरुष को जो धूर्त था, जिसने पैसे बनाए, जिस उसके नाम का इस्तेमाल किया, अब सब कुछ आ रहा है ना, और उसके बारे में ये सारी चीजें उनके पिता भी जानते थे। इवन उनकी सोनाली फोगट की जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उसने भी कहा था कि माँ सुखी नहीं थी, इतना कर सकती हूँ, वो दुखी रहती थी। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें किसी भी बात का कोई दुख नहीं होता है जब तक कि उनके ऊपर बात नहीं आती है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।